Dear students, I am Dr. Muhammad Mudassar Shahzad from University of Education, and our today's topic is History of Evolutionary Thoughts. When we talk about the evolution, one of the Muslim scientists named as Al-Biruni worked on the evolution. He introduced the term evolution as gradual changes, but these changes may be dangerous according to his concept. Next one is Erasmus Darwin, who was the grandfather of Charles Darwin. He also wrote about evolution, but in the form of poetry. In his poems, he wrote that evolution is basically a dangerous idea, but is very less obvious. There is a question about evolution before the Darwinian theory. Number one question is static universe. The universe did not change throughout the time. There are some problems, such as their fossils evidence. यहाँ पे बेटा जो fossil evidence है वो basically बताते हैं कि जो दुनिया है ये basically static नहीं है, इसके अंदर वक्तन फवक्तन different changes आते रहे हैं और उन changes के नतीजे में यहाँ पे different organisms develop करते रहे हैं. And the second concept was Earth is centered universe, but the Galileo approved it as wrong. And the next one is great chain of beings, in which there is a ladder like formation. Number one will be the stone, next will be the flame, plant, beast, human, heaven, angel or god. But there is some problems. The problem is that how do you incorporate a new species in that ladder? इस थ्योरी के मुताबिक बेसिकली बेटा हमारे पास जितने यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक चेन बनती है, यानी एक ऑर्गेनिज्म उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा उसके बाद चौथा, उनको आपस में मुंसलिक कराने वाले कुछ और मौजूद होते हैं. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर कोई नई स्पीशी इवॉल्व होती है तो वो इवॉल्व होने के बाद इनके दरमियान कहाँ पे रखी जा सकती है. एंड द फोर्थ वन इज आर्गुमेंट फ्रॉम डिजाइन. जितनी बेटा यहाँ पे स्पीशीज बनाई गई हैं, इस आर्गुमेंट के मुताबिक हर स्पीशी का कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज है इस दुनिया में आने का. कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जो विदाउट पर्पज दुनिया में आया हो. इस आर्ग्यूमेंट के बदौलत यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक क्वेश्चन रेज किया है कि ये जो तमाम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिजाइन है, बेसिकली ये किसी न किसी एक बेनेवोलेंट क्रिएटर का काम है. कोई बहुत ही इंटेलिजेंट लिविंग इंटेलिजेंट चीज है या इंटेलिजेंट यहाँ पे कोई जात है जिसने इन तमाम चीजों को तख्लीक किया है. जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इबोला वायरस की शेप, ये शेप किस तरह की है, या बाकी जो हमारे पास डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी शेप्स बेसिकली किस तरह की होती हैं, ये किसी आम इंसान का या किसी आम जानदार के बस की बात नहीं है कि वो इस तरह के डिजाइंस ओरिजिनेट कर सके. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज. इसके मुताबिक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी न किसी हद तक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरकनेक्ट कर रहा है. लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं तो अगर किसी की दरमियान में एक्सटिंक्शन होती है, कोई डेथ होती है, उसके नतीजे में उसके जो आगे या पीछे वाले हैं वो यहाँ पे सरवाइव कैसे करते हैं. एक कंसेप्ट बेसिकली यहाँ पे ये है कि दुनिया में मौजूद जो स्पीशीज हैं उनकी तादाद मुकम्मल तौर पर फिक्स है और वो काफी हद तक एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं.
अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि नई जो स्पीशीज बनती हैं उनको दरम्यान में हमने कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि दरम्यान में कोई खाली जगह मौजूद नहीं है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ रिलेट करता है, उसके कुछ ताल्लुक दूसरों के साथ मौजूद होते हैं। तो अगर दरम्यान में कोई नया ऑर्गेनिज्म हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब जो पुराने मौजूद थे उनमें से किसी ना किसी का रिलेशनशिप आपस में खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द प्री डार्विनियन आइडियाज ऑफ ऑर्गेनिक चेन इन विच लेक्लर्क एंड बुफन वर्कआउट। दे सेड दैट स्पीशीज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप मेंटेन्ड बाय देयर रिप्रोडक्शन बिकॉज डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर बट अ पॉपुलेशन कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। In the lower diagram, you can see that there was a single ancestor, but due to local conditions and after passing of lot of time, new different species were originated. There is another theory that is called as Jean-Baptiste-Lamarck theory, after the theory of George Lewis. In this theory, Lamarck gave the ideas of spontaneous generation, in which he tells about the generation to generation development of animals. According to the second postulate of Lamarck, all the species have ability to evolve into their complex new species. Is concept ke mutabik हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जो जो टाइम गुजरता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ कम्प्लेक्सिटीज जो है वो आती रहती हैं, और जो जो न्यू कम्प्लेक्सिटीज आती हैं तो ऐसे ऐसे वो नई स्पीशीज में इवॉल्व होना या कन्वर्ट होना स्टार्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज थर्ड पोस्टुलेट ऑल द ऑर्गेनिजम्स एंड स्पीशीज हैव एक्वायर्ड करेक्टर्स। ही गिव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफी इन हिज थ्योरी। इसकी इस एग्जाम्पल के मुताबिक जो जिराफी थे स्टार्ट में उनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, लेकिन जूं जूं उनकी जरूरियात इंक्रीज होती गई, जैसा कि जमीन पे घास कम होता चला गया और उन्होंने दरख्तों के पत्ते खाना शुरू किए, तो उसके साथ साथ उनकी जो गर्दन थी वो लंबी होती चली गई। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ लैमार्क, Lamarck rejected the fixedity in the species. Lamarck जो था इस चीज के बिल्कुल मुखालिफ था। Lamarck ने कभी भी ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जिन के अंदर एक स्पीशीज जो थी वो मुकम्मल तौर पर फिक्स हो सके। हर स्पीशीज जो थी वो वक्त के साथ साथ उसके अंदर चेंजेस हो रहे थे। ये Lamarck का एक मेन पॉइंट था, जिसकी वजह से जो Lamarck थी, Lamarck की थ्योरी थी, उसको एवोल्यूशन में अट्रैक्शन तो जरूर मिली, लेकिन उसकी थ्योरी जो थी वो इनहेरिटेंस के तमाम प्रिंसिपल्स को मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं करती थी, जिसकी वजह से Lamarck की थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। Lamarck ने बेटा यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी खास निश में या एनवायरनमेंट में मौजूद है वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी आप को ढालना शुरू करता है। उसके जो डिफरेंट स्पेशलाइज जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या उसके जो डिफरेंट स्पेशलाइज जो ऑर्गन्स हैं वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के मुताबिक डिवेलप करना शुरू करते हैं। यहाँ पे इसने एग्जांपल दी थी कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स की। जो कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर आपको पता है कि उनका जो कैनाइन टीथ है वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज फॉर्म में होता है, जो कि अपने प्रे को बासानी ग्रिप करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। Dear students, as we have already talked about the vestigial organs in our previous lecture of theories, Darwin के Lamarck के मुताबिक जो तमाम living organism हैं उनके अंदर कुछ organs ऐसे होते हैं जो non-functional होते हैं और उनको नाम दिया जाता है vestigial organs।
जिस तरह की हम ऑलरेडी ये एग्जाम्पल पीछे पुट कर चुके हैं कि इंसान के अंदर जो अपेंडिक्स है जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के इन बिटवीन होती है, ये मुकम्मल तौर पर एक नॉन फंक्शनल ऑर्गन होती है। उसी तरह जो व्हेल के अंदर जो उसकी लिम्ब्स हैं वो भी नॉन फंक्शनल हैं। इसके अलावा जो स्नेक है, कुछ स्नेक ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर इंटरनल लेग्स मौजूद होती हैं लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नॉन फंक्शनल होती हैं। तो यहाँ पे जो कंपेरेटिव एनाटॉमी है उसकी बदौलत भी हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पता चल जाता है कि किस किस ऑर्गन के अंदर किस किस एनिमल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं और वो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं या वो ऑर्गन्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल हो चुके हैं। तो ऐसे तमाम ऑर्गन्स जो मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका कोई खास काम नहीं होता या उनसे किसी किस्म का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स का नाम देते हैं। इसके अलावा लमार के जो पास्टुलेट्स है उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गन्स हैं वो लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज को फॉलो करते हैं। इसके मुताबिक वो तमाम ऑर्गन जिनको हम यूज कर सकते हैं या जिनको हम डेली यूज करते हैं वो मजबूत हो जाते हैं या उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, जबकि दूसरी तरफ वो ऑर्गन्स जिनको हम डिसयूज करते हैं या जिनको हम ज्यादा यूज नहीं करते वो आमतौर पर ज्यादा फंक्शनल या ज्यादा स्ट्रेंथ उनकी नहीं होती। इसकी सिंपल सी आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जिस तरह इंसान है, इंसानों के अंदर एक टेल बोन हमारे पास मौजूद है, तो रिसर्चर्स या साइंटिस्ट का ये कहना है कि इंसान के अंदर, इंसान चूंकि पहले चिंपैंजी से या मुख्तलिफ जो हमारे पास ये प्राइमेट्स हैं उनसे इंसान डिवेल्प हुआ है, तो चूंकि उन तमाम के अंदर टेल मौजूद थी तो इसका मतलब यह है कि इंसान के अंदर भी टेल होनी चाहिए। लेकिन इंसान ने चूंकि इसको यूज करना खत्म कर दिया था, इंसान इसको मुकम्मल तौर पर एक नॉन फंक्शनल ऑर्गन के तौर पर प्रेजेंट किया, तो जिसकी वजह से इंसान के अंदर जो टेल है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो टेल बोन है ये आज भी ये बात हमें बता रही है कि इंसान में पहले टेल मौजूद हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लामार्क, इट वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय लामार्क दैट व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डेवलप अ करेक्टर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इट मे बी पास्ड इनटू देयर ऑफस्प्रिंग्स। अकॉर्डिंग टू A classic example of the inheritance of acquired characters, you can see the giraffe's neck. जब आप जिराफी को देखते हैं तो बेटा जो जिराफी हैं, जो सबसे पहले जिराफी, जैसा कि ऊपर अभी आपको मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ, तो जिराफी जो थे पहले एंसेस्टर जो थे इनके, उनके पास गर्दन छोटी थी, लेकिन ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज ऑन द अर्थ उन्होंने अपनी जो गर्दन थी उसको ऊपर करके यानी दरख्तों की शाखों को खाना स्टार्ट किया था और उसकी बदौलत उनकी जो गर्दन थी वो वक्त के साथ साथ लंबी होती चली गई है। स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द थ्योरी ऑफ लामार्क वर्सेस द डार्विनियन थ्योरी इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द लामार्क थ्योरी। लामार्क थ्योरी वॉज रिक्वायर्ड द अडॉप्टेशंस टू क्रिएट न्यू वेरिएशंस, वेयर एज If we talk about the Darwin's theory, it required random hereditary variations. The argue of Darwin's theory was over when Mendel's law of genetics were rediscovered at the end of 19th century. It was also proposed that the variations that occurred in generations are due to the hereditary traits that generate or that pass from one generation into another generation. Dear students, there is another reason to disprove the Lamarck's theory. According to Lamarck, the characters that develop a parent during his lifetime will be transferred, will be passed out into their offspring. लेकिन यहाँ पे बेटा हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर ये पता चलता है कि वो जो करेक्टर्स जो एक पेरेंट की लाइफ टाइम में डिवेल्प होते हैं दे कैन नॉट बी पास्ड इन टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स। देयर आर टू एग्जाम्पल्स। नंबर वन,
जैसा कि बेटा आप देखते हैं, अगर एक आपके पास कोई बहुत अच्छा एथलीट है, कोई बहुत अच्छा फुटबॉलर है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, तो लाजमी नहीं कि उसके जो बच्चे हैं वो भी अच्छे एथलीट हों, वो भी अच्छे फुटबॉलर हों, वो भी अच्छे क्रिकेटर हों। अगर ये बात हम इसकी मान लेते लंबार की, तो उसके अंदर ये बात साबित हो जाती कि अगर एक अच्छा क्रिकेटर है तो उसके बच्चे भी अच्छे क्रिकेटर होते, अगर एक अच्छा एथलीट है तो उसके बच्चे भी अच्छे एथलीट होते, अगर एक अच्छा फुटबॉलर है तो उसके बच्चे भी अच्छे फुटबॉलर होते, अगर अच्छा कोई पॉलिटिशियन है तो उसके बच्चे भी अच्छे पॉलिटिशियन होते, अगर कोई अच्छा वजीर आजम है तो उसके बच्चे भी अच्छे वजीर आजम साबित हो सकते। लेकिन हमें इस तरह की कोई एग्जाम्पल दुनिया में नहीं मिलती। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने करेक्टर्स को खुद डिवेलप करता है बाई द हेल्प ऑफ देयर टाइम। उसके बाद दूसरी जो एग्जाम्पल हमारे पास आती है वो आती है अर्नेस्ट हैकल की। अर्नेस्ट हैकल हु अटेम्प्ट टू डिस्प्रूव द लामार्किज्म एट द थ्योरी ऑफ लामार, ही कट डाउन द टेल्स ऑफ माइसेस फॉर सेवरल जनरेशंस। उसने कई जनरेशंस तक जो माइस थे या जो चूहे थे उनकी टेल्स कट ऑफ की, लेकिन उसके बाद कई जनरेशन के बाद भी उसने देखा कि हर माइस जो पैदा होता था उसके जो न्यू बॉर्न बेबीज जब पैदा होते थे वो पहले तो शुरू में टेल लेस होते थे, लेकिन जू जू उनकी ग्रोथ होती ऐसे ऐसे उनके अंदर जो टेल्स थी वो ऐसे ही डिवेलप करना शुरू करती जैसे उनके एंसेस्टर्स के अंदर मौजूद थी। तो यहां से इन एनिमल्स की जो टेल के बारे में उनकी जो यूजफुलनेस है वो भी मुकम्मल तौर पर सामने आती है, क्योंकि उनको टेल की जरूरत होती है, उन्होंने टेल को यूज करना होता है, इसलिए उनके अंदर टेल मुकम्मल तौर पर डिवेल्प करती रहती है। डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द लामार्किज्म इन द एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ टूडेज लाइफ, वी कैन चेक दैट द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिफरेंट, नंबर वन। नंबर टू, सम बिहेवियरल पैटर्न्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मे बी इननेट एंड कैन बी इवॉल्व्ड बाई द हेल्प ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इन विच वी विल टॉक अबाउट द लर्नड बिहेवियर। यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरेशन टू जनरेशन उसके अंदर चेंजेस भी आती हैं और वो मुख्तलिफ चीजें अपने एनवायरमेंट में सीखता भी है। इसके अंदर बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बेटा देखें, अब जिन बच्चों के पेरेंट्स इस वक्त अनएजुकेटेड हैं, जिनके ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर उनके जो मोबाइल का जो यूजेज है उनके अंदर वो इतना फंक्शनल नहीं है जितना आजकल की न्यू जनरेशन के अंदर है, क्योंकि इन जो वो थे उनके अंदर लर्न बिहेवियर इस वक्त इतना ज्यादा डिवेलप नहीं है एज कम्पेयर टू द करंट जनरेशन। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन कल्चर एवोल्यूशन की, तो ह्यूमन कल्चर एवोल्यूशन के अंदर भी जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चेंजेस आते रहते हैं। अब देखिए, समटाइम ऐसे होता है कि घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उस कल्चर के मुताबिक उनको वहाँ पे अच्छी जगह पे बिठाया जाता है, अच्छे बिस्तर उनको लगा के दिए जाते हैं, अच्छा उनको खाना दिया जाता है। ये बेसिकली क्या है, उनका कल्चरल बिहेवियर था। लेकिन जो जो वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ साथ कल्चर डिवेल्प होता है, उस कल्चर के डिवेल्प होने के साथ साथ उन जो वहाँ पे मौजूदा जो इंसान हैं उनके अंदर भी जेनेटिक एवोल्यूशन होती है, और उस जेनेटिक एवोल्यूशन के नतीजे में उनके अंदर जो कल्चरल एवोल्यूशन है वो भी साथ साथ होती रहती है। यानी अब वो पुराने कल्चर से थोड़ा सा नए कल्चर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। अगर पहले जो गेस्ट आते थे उनको अगर चारपाई पे बिठाया जाता था, अब उनको टेबल और चेयर्स वगैरह प्रेजेंट की जाती हैं। देयर आर द टू बेसिक नेम्स ऑफ टू रिसर्चर्स दैट आर कॉल्ड एज ओरिजिनेटर्स ऑफ मॉडर्न थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इन विच नंबर वन इज चार्ल्स डार्विन एंड नंबर टू इज अल्फ्रेड रसल वैलेस। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द चार्ल्स डार्विन एंड हिज थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हिज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द गैलापागोस आइलैंड। चार्ल्स डार्विन, हु स्पेंट अप्रोक्सीमेटली 5 years on the Beagle voyage, he started his journey from South America and moved towards the Delfugio and towards the Galapagos.
जो चार्ल्स डार्विन था, इसने तकरीबन बेटा पूरी दुनिया का एक चक्कर जो था वो इसने अपने लाइफ के अंदर यानी 5 सालों के अंदर अपने इस बैरी जहाज पे लगाया था, जो कि आपको इन तमाम एरोज से भी नजर आ रहा होगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके जो पास एरोज लगे हुए हैं, कहाँ से वो चलता है और किन साइड पे वो मूव करता रहा है। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो अबाउट द डार्विन्स वॉयेज, डार्विन जो था इसने 1831 के अंदर अपना जो सफर था उसको एचएमएस बीगल पे स्टार्ट किया था। एचएमएस बीगल स्टैंड्स फॉर हिज मैजेस्टीज शिप, इसका जो जहाज था इसका नाम था हिज मैजेस्टीज शिप बीगल, जिसकी वजह से उसको एचएमएस बीगल इन शॉर्ट टर्म में कहा जाता है। उसके बाद ये 1836 में वापस आया और इसने अपने इस 5 साला सफर के दौरान जितनी मुख्तलिफ अपनी एवोल्यूशन के लिहाज से उसने जितने एविडेंसेस वहाँ पे देखे थे, या उसने वहाँ पे सर्च आउट किए थे, या जिस जो इसने वहाँ पे सैंपल इकट्ठे किए थे, या जो इसने वहाँ पे सनेप्स वगैरह जो थी वो अपनी बनाई थी, उन तमाम को लाकर उसने 1836 से लेकर 1844 तक उन तमाम का वहाँ पे एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद 1844 के अंदर इसने अपनी एक थ्योरी जो थी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट की, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसके बाद इसने 1844 से लेकर 1858 तक यानी 14 इयर्स के लिए इसने मजीद मुख्तलिफ जो एविडेंसेस थे एवोल्यूशन के लिहाज से उसने वहां पे सर्च किए, और सर्च करने के बाद इसने अपनी एक नई थ्योरी प्रपोज की। और 1858 के अंदर इसने और उसके साथ जो वेलेस था, इन दोनों ने मिलकर अपनी जो थ्योरी थी वो एवोल्यूशन के लिहाज से पब्लिश की थी। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ डार्विन्स स्टडी। एज यू नो अबाउट द डार्विन्स ट्रेवर डार्विन्स ट्रिप, ही स्टार्टेड हिज ट्रिप फ्रॉम 1831 ऑन एचएमएस बीगल, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर अपर स्लाइड। जब डार्विन जो था, जब इसने अपना ये सफर शुरू किया था, तो उसने एचएमएस बीगल पे अपने सफर का आगाज किया और इसने पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया, और इस चक्कर के अंदर इसने मुख्तलिफ आइलैंड्स का विजिट किया था। इस सफर के दौरान इसने वहां पे डिफरेंट 13 टाइप्स की फिंचेस को देखा। उसके बाद इसने इसी आइलैंड के ऊपर डिफरेंट टाइप के जो टॉर्टोइज़ेस थे उनको भी उसने चेक किया। जब उसने इनके दरमियान बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया, डिफरेंस बेसिकली किन में था, इनमें जो गैलापागोस आइलैंड के ऊपर फिंचेस और टॉर्टोइज़ेस थे इनमें, और उसके साथ वो वाले टॉर्टोइज़ेस और फिंचेस जो मेन लैंड पर मौजूद थे, उनकी बीक जो फिंचेस थी उनके बीक में, उनके बीक के साइज में, उनके बीक की विड्थ में, डायमीटर में वहां पे डिफरेंस था, जबकि जो टॉर्टाइज थे उनके बॉडी के साइज में और उनके बॉडी के डायमीटर वगैरह में डिफरेंस नजर आ रहा था। उसने ये चीज वहां पे सजेस्ट की, बेसिकली उस आइलैंड की अपना एक अपनी एक निश थी, उस निश के ऊपर डिफरेंट जो ग्रुप्स थे वो वहां पे उसने ऑब्जर्व किए, और वो बेसिकली वहां पे किस लिए थे, चूंकि उन्होंने उस खास टाइप के इन्वायरमेंट को अडोप्ट किया था, और वो जिस इन्वायरमेंट को उन्होंने अडोप्ट किया था उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक उनकी जो शेप्स थी वो वहां पे चेंज होना स्टार्ट हुई थी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज 5 ईयर्स ट्रेवल ही वर्कड फॉर अबाउट 23 ईयर्स एंड देन ही पब्लिश्ड हिज थ्योरी बाई द नेम ऑफ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ही प्रेजेंटेड टू थ्योरीज इन हिज बुक, नंबर वन वॉज रिलेटेड टू एवोल्यूशन एंड नंबर टू वॉज रिलेटेड टू वर्ड्स द नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन कलेक्टेड मैनी टाइप ऑफ एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन इन विच इज ड्राइव्ड दैट स्पीशीज ड्राइव्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। उसके जो एविडेंसेस थे उसमें नंबर वन बेटा जो आता है वो है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिक अडोप्टेशन, यानी जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक खास एरिया के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उनकी जो उस एरिया के लिहाज से अडोप्टेशन हैं। यहाँ पे इसने जो फाइंड आउट की थी तकरीबन 13 डिफरेंट टाइप ऑफ गैलापागोस फिंचेस। नंबर टू पॉइंट वाज रिलेटेड टू फॉसिल्स एंड लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री।
इसके अंदर मुख्तलिफ एनिमल्स जिनके उसने फॉसिल्स सर्च आउट किए थे, उन एनिमल्स की फॉसिल्स के लिहाज से और उनकी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री थी उसके लिहाज से उसने उनको आपस में कंपेयर किया था। एंड थर्ड एविडेंस वॉज रिलेटेड टू द विस्टिजियल ऑर्गन्स, यानी वो ऑर्गन्स जिनका भी हम ऊपर बात कर चुके हैं जो फंक्शनल नहीं रहे। एंड द लास्ट वन वॉज रिलेटेड टू द टेक्सोनोमिक रिलेशंस, यानी उन एनिमल्स के जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप बनते हैं और उनका टेक्सोनोमी में या उनकी जो मुख्तलिफ जो टैक्सा बनाते हैं या जो ग्रुपिंग करते हैं उनका रैंक कहाँ पे बनता है। डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द डिफरेंट 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस, इन विच यू कैन सी द सीड ईटर्स। देर आर अबाउट 6 different types of seed eaters and one type of bud eaters and 15 different types of insect eater finches। इन फिंचेस के अंदर आप इनकी चोंच का साइज जो है वो देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सीड ईटर्स की तरफ चलते हैं तो जब सबसे पहले हमारे पास फिंच मौजूद है उसको नाम देते हैं लार्ज ग्राउन फिंच, जिसकी जो बीक है वो काफी ज्यादा लंबी और मजबूत है जो हार्ड किस्म के जो सीड्स होते हैं उनको क्रश करने के लिए यूटिलाइज होती है। आगे मीडियम ग्राउंड फिंच, स्मॉल ग्राउंड फिंच और शार्प बिल्ड ग्राउंड जो हैं, ये जो तीनों तरह के फिंचेस हैं इनकी बिल आमतौर पर इनकी जो बीक है आमतौर पर थोड़े से छोटे साइज की होती है और ये आमतौर पर जो सीड्स होते हैं उनको सिर्फ इकट्ठा करने के लिए या उनको हैंडल करने के लिए उनको यूटिलाइज की जाती है। इस तरह नीचे इनकी जो डिफरेंट टाइप की जो फिंचेस हैं उनकी आपको जो बीक्स हैं उनके साथ उनकी मुकम्मल डिटेल जो है वो नजर आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द की कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इन विच नंबर वन इज वेरिएशंस इन द इनहेरिटेड मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नंबर टू इज कंपटीशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, number 3 is fitness of different organisms of a population and number 4th is adaptations of organism towards their environment। first of all we are going towards the variation। variation jaisa ki abhi main aapko upar bata chuka hu ki har living organism jo hai kisi bhi species ka uske andar kuch inherited differences jo hai wo maujood hote hain। aur jo darwin tha usne inhi variations ko yahan pe randomly ऑब्जर्व किया था कि किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर किस किस तरह के वेरिएशंस मौजूद हो सकती हैं। नंबर टू इज द कंपटीशन। कंपटीशन आपको पता है कि ये बेसिकली आपको मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है, आपने ये पढ़ी हुई है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। रिसोर्सेज जो हैं वो दो तरह के हैं, एक ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल हैं जिनको हम फिक्स्ड रिसोर्सेज का नाम देते हैं जो एक लोकल पॉपुलेशन को अवेलेबल होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिनको हम नॉन फिक्स्ड रिसोर्सेज का नाम देते हैं। तो जो फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं उसके अंदर उस लोकल पॉपुलेशन की फूड है और वहां पे मौजूद उनके शेल्टर के मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। वहाँ पे लोकली जो खुराक मौजूद होगी उस खुराक के लिए आमतौर पर एक दूसरे के साथ वो कम्पीट करते हैं। एंड नंबर टू, जो उनके रहने की जगह है उसके लिए वो आपस में कम्पीट कर सकते हैं। जिस तरह की आप देख सकते हैं इंसान है तो इंसानों की जो ज्यादातर लड़ाई होती है वो दो चीजों के लिए होती है, या तो खाने के लिए, खाना किससे मिलेगा, पैसों से, पैसों की लड़ाई हो सकती है, या नंबर दो पे वो हो सकती है उनके रहने की जगहों के लिए जिसको हम उनके शेल्टर का नाम दे सकते हैं। And the number third competition is called as reproductive competition and their survival competition. In this competition, every organism compete for its survival and reproduction. ये भी जो कंपटीशन है ये इंसानों के अंदर भी ये कंपटीशन आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंसान जो हैं वो भी अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों के साथ कंपीट करते हैं। जिस तरह के अगर खुदा ना खास अगर कहीं पे कोई जंग लगती है तो हर जो वहाँ पे आर्मी का जो सोल्जर है वो क्या करेगा, अपने आप को सरवाइव कराने के लिए किसी ना किसी जगह पे छुपने की कोशिश करता है। या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के लिए भी इंसान जो है वो आमतौर पर एक दूसरों के साथ खानदानी लड़ाइयां जो है उनको इनिशिएट कर लेते हैं।
और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंपटीशन आता है वो है इंडिविजुअल मस्ट कम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी यहाँ पे जितने इंडिविजुअल उस लोकल एरिया के मौजूद हैं वो क्या करेंगे, उस एरिया के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यानी जो बिल्कुल बहुत कम रहने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, और उनमें से जो विन करेगा यानी जो उन रिसोर्सेज को पा लेता है वो सर्वाइव कर जाता है, और जो उन कॉम्पिटिशन जो उन रिसोर्सेज को अवेल नहीं कर पाता उसकी वहां पे डेथ के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। डार्विन जो था इसको थॉमस माल्थस ने अपने जो आइडियाज थे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन के रेलिवेंट उसने डार्विन को अपने आइडियाज दिए थे ताकि वह इनको रीड आउट कर सके, और इन्हीं को रीड आउट करने के बाद डार्विन इस काबिल हुआ था कि वो अपनी इस थ्योरी को पब्लिश करवा सके। तो यहाँ पे बेटा जो माल्थस था उसने ओवर पॉपुलेशन के लिहाज से अपना एक डॉक्ट्राइन जो था वो पेश किया था। इसके मुताबिक अगर आपको ये कर्व दो कर्व नजर आ रही होंगी इस ग्राफ के अंदर जो बिल्कुल स्ट्रेट कर्व जा रही है ये बेसिकली है रिसोर्सेज की, यानी स्टार्ट में रिसोर्सेज जीरो हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो रिसोर्सेज ये बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उनके जो इंक्रीज करने की जो स्ट्रेंथ है वो एक खास है, उससे वो ज्यादा ना तो ज्यादा और ना ही कम इंक्रीज कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं अगर आपके पास एक पॉपुलेशन है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है, जहां पे जाके ये पॉपुलेशन इन रिसोर्सेज को मीट करती है यानी जहां पे इन दोनों की ग्रोथ इक्वल हो जाती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ क्राइसिस। अगर वहां से पॉपुलेशन मजीद इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, रिसोर्सेज वहां पे कम हो जाएंगे, अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो उसके नतीजे में कंपटीशन इंक्रीज कर जाएगा, और जब कंपटीशन इंक्रीज कर जाएगा तो उसके लिए ऑटोमेटिकली उसके बाद वहां पे जो फाइटिंग है उन रिसोर्सेज के लिए वो भी इंक्रीज कर जाती है, और जो उस फाइट के अंदर उन रिसोर्सेज को अवेल करता है या उनको हासिल करता है वो वहां पे सर्वाइव करेगा, और जो उनको अवेल नहीं कर पाता उसकी डेथ हो सकती है। इस पर जो बेटा थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वो है फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी एक लोकल पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी फिटनेस बेसिकली वहां पे उनके सर्वाइवल में क्या किरदार अदा करती है। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनका फिटनेस लेवल उनके सर्वाइवल लेवल के इक्वल होता है या उससे इंक्रीज कर जाता है तो वो उस एनवायरनमेंट को सर्वाइव उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं और उस लोकल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ऑर्गेनिज्म जो उस लोकल एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइव नहीं करा सकते या अपने आप को फिट नहीं रख पाते वो कभी भी वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते। इसकी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको यहां पे पुट करता हूं, अगर शदीद सर्दी के मौसम में जब बर्फबारी हो रही होती है उन दिनों में अगर हमें कहा जाए कि हम एक ऐसे सर्द इलाके में चले जाएं जिस तरह के मरी है, नारायण भगवान है, आगे हमारे पास अयूबिया का इलाका है, नथिया गली है, या आगे इसका स्कर्दू का इलाका या गिलगित बल्तिस्तान का इलाका अगर आता है, वहां पे अगर हमें कहा जाए कि वहां पे जाएं और वहां पे जाके आपने एक या दो मंथ के लिए सरवाइव करना है और आपके पास कोई वहां पे ज्यादा जो हीट अप करने का जो सामान है वो भी मौजूद ना हो तो वहां पे हमारा सरवाइव करना मुकम्मल तौर पर मुहाल हो जाएगा, वहां पे हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अडॉप्ट नहीं करवा पा रही। जब हमारी बॉडी अपने आप को उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अडॉप्ट करवाना शुरू करती है तो फिर हम वहां पे सर्वाइव कर पाते हैं। अगर हम उस लोकल एनवायरनमेंट के अंदर जाके अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं लाते या हमारी बॉडी खुद अपने अंदर अगर चेंजेस नहीं लाती, यानी अगर हमारे मेटाबॉलिक रेट में इंक्रीज नहीं आता और दूसरी तरफ हमारी बॉडी हीट को कंजर्व बॉडी में नहीं करती तो उस सूरत में इंसान की डेथ के चांस इंक्रीज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट में हमारे पास आता है जी अडॉप्टेशंस ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो उस एरिया की जो लोकल पॉपुलेशन है वो जब तक उसके अंदर ये अडॉप्टेशंस मौजूद नहीं होंगी उस लोकली अवेलेबल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए तब तक वो पॉपुलेशन वहां पे सर्वाइव नहीं करेगी। अब सर्वाइव सिर्फ वही करेगा जिसके पास वहां पे बेनिफिशियल ट्रेड्स मौजूद होंगे, जिसके पास बेनिफिशियल ट्रेड्स होंगे वो अपने आप को वहां पे सर्वाइव करा सकता है। इसके बाद वहां पे ये भी चांस है कि अगर वहां पे ये ज्यादा देर तक वो ऑर्गेनिज्म वहां पे मौजूद रहें उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हुए वहां पे किसी नई पॉपुलेशन या नई स्पीशी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इस तरह की जो कन्वर्जन होती है उसको डार्विन ने डाइवर्जेंस का
नाम दिया था और इसी के नतीजे में नई स्पीशी भी बनती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टूवर्ड्स द कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स टू डार्विन्स थ्योरी इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द चार्ल्स लाइल। चार्ल्स लाइल हु वाज एन एवोल्यूशनिस्ट, ही गेव द कंसेप्ट ऑफ ग्रेजुअलिज्म। ग्रेजुअलिज्म के अंदर बेसिकली क्या होगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो अपने आप को ग्रेजुअली चेंज कर सके। और ये जो ग्रेजुअल जो प्रोग्रेस होती है या जो ग्रेजुअल जो चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस के नतीजे में एक वहां पे नई स्पीशी या नए चेंजेस या नए जो ट्रेड्स हैं वो डिवेल्प कर सकते हैं। और यही जो नए ट्रेड्स हैं ये अल्टीमेटली जाके एक नई स्पीशी को भी मर्ज वजूद में ला सकते हैं। He also, Charles Lyell also introduced that no need to invoke catastrophic events. यानी उस लाइफ के वो जो लोकल एनवायरनमेंट के अंदर जो एनिमल मौजूद है उसके अंदर किसी किस्म के कोई वहां पे सडन चेंजेस की जरूरत दरपेश नहीं आती। आफ्टर द चार्ल्स लाइल सेकंड साइंटिस्ट इज थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस जो था, इसकी डार्विन ने जब अपना सफर शुरू किया था तो उस वक्त इसकी थॉमस माल्थस की डेथ हो गई थी, लेकिन अपनी डेथ से पहले ये मुख्तलिफ कंसेप्ट जो थे वो एवोल्यूशन के लिहाज से या एनिमल्स के सर्वाइवल के लिहाज से ये पेश कर चुका था। थॉमस माल्थस के मुताबिक जो एक पॉपुलेशन के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो तब ज्यादा ग्रो कर सकते हैं जब वहां पे फूड की सप्लाई ज्यादा होगी। अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है या एक पॉपुलेशन जो है अगर उसके ग्रोथ के जो ग्रोथ का जो रेट है अगर वहाँ पे मौजूद फूड सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नीचे आप ग्राफ में देख सकते हैं जो जो टाइम जो है वो गुजर रहा है ऐसे ऐसे फूड की सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। अब जो जो फूड की सप्लाई इंक्रीज होती है ऐसे ऐसे पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक सडन हमारे पास जो क्राइसिस का जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ क्राइसिस जिसको ऊपर हमने नाम दिया था, इसके बाद क्योंकि खुराक जो है उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है लेकिन पॉपुलेशन की ग्रोथ खुराक की ग्रोथ से कहीं ज्यादा है, तो ये जो पॉइंट है या ये जो बेसिक जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है ये उस लोकल एनवायरमेंट के अंदर पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। एंड द थर्ड कंसेप्ट इज प्लांट एंड एनिमल्स ब्रीडर्स, जिसको हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग का नाम भी दे सकते हैं या हाइब्रिड्स का नाम भी दे सकते हैं। इन हाइब्रिड या सिलेक्टिव ब्रीडिंग के नतीजे में जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर आफ्टर सम टाइम जो है वो चेंजेस हमें मिलते हैं और ये जो चेंजेस होते हैं ये वहाँ पे नई स्पीशी को जन्म दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम दिखाई गई है जिसके अंदर पिजन्स जो हैं उनकी डिफरेंट स्पीशीज आपके सामने प्रेजेंट की गई हैं। जो सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास जो पिजन्स हैं उनकी सिर्फ एक ही स्पीशी मौजूद थी, लेकिन उनकी हाइब्रिड्स के नतीजे में या उनके ब्रीडर्स के नतीजे में ये जो बेसिक स्पीशी थी ये तब्दील होते होते आज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। एट द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉजिक्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यू कैन सी देयर आर थ्री डिफरेंट थिंग्स इन द थ्योरी। नंबर वन आर ऑब्जर्वेशन, नंबर टू डिडक्शंस, एंड नंबर थ्री that is at the end of the slide is called as result. First of all we are going to discuss the observations. Number one observation, all organic populations can exponentially. Number two, in spite of observation one they don't. And the deduction of the first observation will be there is some kind of struggle for existence. Yani जो हर ऑर्गेनिज्म है उसको सरवाइव कराने के लिए या उसको एग्जिस्ट कराने के लिए हमें उस ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ टाइप की जो कोशिशें हैं या जो स्ट्रगल्स हैं वो करनी पड़ती हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सेकंड डिडक्शन इन विच नंबर वन ऑब्जर्वेशन इज ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर नॉट द सेम। गॉट इट। नंबर टू इज डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल्स आर पास्ड टू देयर
ऑफ स्प्रिंग्स, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक ही एक स्पीशी के जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कभी भी आपस में सेम नहीं हो सकते। और नंबर टू पे इसमें क्या आ रहा है कि मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होते हैं या दाखिल होते हैं। एंड द रिडक्शन विल बी सम मेंबर्स ऑफ अ स्पीशी आर बेटर इक्विप्ड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस देन अदर्स। अब वो वाले मेंबर जिनके पास ये तमाम चीजें मौजूद हैं, यानी जिन्होंने बेहतर तरीके से इन्वायरमेंट को अडॉप्ट भी कर लिया है और उनके पास बेहतर किस्म की जीन्स भी मौजूद हैं, तो उनके पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव भी कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं मोर देन दैट ऑफ अदर्स। एंड द रिजल्ट ऑफ दीज टू डिडक्शंस विल बी दिस डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल इज नेचुरल सिलेक्शन। यानी अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके अंदर जो स्ट्रगल के नतीजे में वो वहां पे सर्वाइव कर रहा है और दूसरी तरफ वो ऑर्गेनिज्म बेहतर तरीके से रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, उसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म नेचुरली सिलेक्ट हो चुका है। हियर इन दिस स्लाइड यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज। द प्रीवियस मेंबर्स मे बी रिप्लेस्ड आर एडेड विद different new evolving individuals, and the new individuals are evolving in that local environment. इसमें हम ये कह सकते हैं कि पहले ऑर्गेनिजम्स जो थे वो कुछ मौजूद थे, उसके बाद मजीद ऑर्गेनिजम्स वहां पर इंट्रोड्यूस हुए या उन्होंने प्रीवियस वन को रिप्लेस किया, और उसके बाद जो जो वक्त गुजर रहा है उस वक्त के गुजरने के साथ वहां पर नए एनिमल्स जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं या पुरानों को रिप्लेस कर रहे हैं। एंड हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन लोकल एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ऊपर वालों से थोड़ा सा डिफरेंट करके अगर यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर वालों के अंदर हर नई स्लाइड के अंदर नए कुछ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो रहे थे। अब उन सबको जब यहाँ पे आपस में इकट्ठा रखा जाए तो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी बनती है जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स नजर आते हैं। नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसके अंदर आप देखें बेटा बेसिकली सबसे पहले आप बिल्कुल इसको नीचे से शुरू करें, नीचे जहां पे आपके पास एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रा की गई है उसके अंदर आप देखें बेसिकली इन तमाम एनिमल्स का जो एंसेस्टर था वो एक था। उस एक एंसेस्टर से उसके दो डिसेंडेंट्स बने। एक साइड जो थे वो वहां पे आपके पास प्रोकैरियोट्स नजर आ रहे हैं जिसके अंदर आपके पास एमीबा और बैक्टीरिया वगैरह हैं, जबकि जो दूसरी जो डिसेंडेंट बने थे उसके अंदर आगे जाके मजीद दो डिसेंडेंट्स बन रहे हैं। उसके अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे तो आपको वहां पे मिल रहे हैं आर्थ्रोपोड्स। अगर जो राइट साइड वाले जो डिसेंडेंट है उसको देखते हैं तो वहां पे आपको मिल रहे हैं कॉर्डेट्स। इसको अगर आप थोड़ा सा मजीद आगे डाइवर्सिफाई करते हैं, मजीद डिसेंडेंट्स की तरफ मूव करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे आप अपने लेफ्ट हैंड पे तो लेफ्ट हैंड वाले जो डिसेंडेंट्स हैं वो आगे मजीद दो तरह के एनिमल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक को नाम देते हैं यहाँ पे रेप्टाइल्स और दूसरों का नाम देंगे एम्फीबियन। जबकि अगर आप मूव करते हैं टू वर्ड्स द राइट डिसेंडेंट इन विच यू कैन सी देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैमल्स दैट आर कॉल्ड एज लायंस एंड बियर्स। तो यहाँ पे ये बात हमें नजर आ रही है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो तमाम के तमाम एक ही कॉमन एंसेस्टर से डिवेल्प कर रहे हैं। इसके अंदर मैकेनिज्म कौन सा हो सकता है? मैकेनिज्म बेसिकली यहाँ पे है नेचुरल सिलेक्शन का, यानी नेचर जो थी उसने इन एनिमल्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया तब जाके इन्होंने सर्वाइव करके इस लोकल एनवायरमेंट को अडॉप्ट किया है। नाउ यू कैन सी द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास मंकी के एंसेस्टर्स थे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो बेसिक लाइंस ड्रॉ हो रही हैं जो राइट साइड पे जा रही है उसके अंदर बन रहे हैं चिंपैंजी, जबकि जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर आपको तीन डिफरेंट एनिमल्स नजर आ रहे हैं जो बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन है। इनमें नंबर वन जो है
वो हमारे पास बनता है यहाँ पे एफरेंसेस। नंबर दो जो है उसको नाम देते हैं हैबिलस, जबकि नंबर थ्री जो है इसको नाम देते हैं होमो इरेक्टस, और नंबर वन नंबर फोर्थ जो है इसको नाम देते हैं होमो सेपियन यानी ह्यूमन। यहाँ पे देख सकते हैं एंसेस्टर बेसिकली एक था जिसको मंकी एंसेस्टर का नाम देते हैं। उस मंकी एंसेस्टर से आगे ये डिफरेंट जो दो डिसेंडेंट्स बनते हैं, इन दो डिसेंडेंट से आगे इनके अंदर एवोल्यूशन होते होते आखिर में जाके राइट साइड पे इंसान, सॉरी लेफ्ट साइड पे इंसान जो है वो बन रहा है। हेयर इन दिस स्लाइड यू कैन ऑब्जर्व द ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, ये तकरीबन आज से 3 मिलियन ईयर्स एगो दुनिया में मौजूद हुआ करते थे। फिर उसके बाद इनके अंदर ये चेंजेस आते हैं और चेंजेस के बाद ये इंसान में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इंसान की एवोल्यूशन के अंदर जो चीज हमें नजर आती है वो आती है टू लेग्स। जो चिंपेंजी जो हमारे पास पहले मंकी वगैरह था, या इसके अलावा जितने ये पीछे हमारे पास एनिमल जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हेबिलस के, उसके अलावा फ्रेंसिस के, ये तमाम एनिमल जो थे ये बेसिकली फोर लेग्ड एनिमल्स थे, लेकिन इंसान जो है ये बेसिकली टू लेग्ड एनिमल्स हैं। इसकी बेसिक रीजन क्या है? इसकी बेसिक रीजन ये है कि इंसान जो है, इंसान ने मुख्तलिफ जगहों पे क्लाइंब अप करना शुरू किया था, जिस तरह की सीढ़ियां हैं उन पे इंसान ने चढ़ना शुरू किया, इंसान ने दो टांगों पे चलना शुरू किया, उसके बाद इंसान ने अपने हाथों को यूटिलाइज किया मुख्तलिफ चीजों को पकड़ने के लिए, मुख्तलिफ चीजों को ग्रिप करने के लिए, मुख्तलिफ चीजों को कैचअप करने के लिए, जिस वजह से इंसान जो है वो टू लेग्ड एनिमल्स की तरफ मूव करना शुरू कर चुका है। जबकि यहाँ पे एफरेंसिस जो है इसको बेसिकली ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस जो है उसको बेसिकली लकी के नाम से पहचाना जाता है। लकी जो है ये बेसिकली पहले जंगलों में मौजूद हुआ करता था और जंगलों में ये दरख्तों पे रहा करता था, उसके बाद ये जमीन के ऊपर वॉक भी कर सकता था, इसके अलावा ये रन भी कर सकता था, उसके बाद इसकी जो बॉडी है वो तब्दील होकर इंसान की बॉडी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रही है। जैसे आप यहाँ पे इसकी डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो आपके पास एफरेंसिस यहाँ पे दिखाया गया है, इसके अब देखें जो अगली साइड है, जो उसकी अगली टांगे हैं वो काफी लंबी हैं एज कम्पेयर टू द बिहाइंडर लेग्स, और ये टांगे बड़ी होने के नतीजे में उसकी बॉडी अगली साइड से, या उसकी जो जो फोर साइड्स हैं, या उसकी जो अपना हेड वाली साइड है, वहां से ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टूवर्ड्स द गिबन्स। गिबन्स कैन स्विंग देयर बॉडी ऑन देयर आर्म्स एंड द ह्यूमन कैन रन ऑन द टू लेग्स। ये बात जो है ये बेटा समझना इजी है अगर हम इसको सिंपल इसको भी देख रहे हैं, लेकिन बेसिकली इस सारे प्रोसेस को इंटरसेप्ट करना बाय द हेल्प ऑफ फॉसिलाइज्ड एनिमल्स ये इतना ज्यादा इजी नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल और देर पा काम है, जिसके अंदर हमें इन तमाम एनिमल्स के फॉसिल्स दरकार होंगे। इन तमाम एनिमल्स के फॉसिल्स मिलने के बाद उनको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा, उनकी फीमर्स या उनकी जो डिफरेंट बॉडी के जो दूसरी जो बोन्स हैं उनकी लेग के अंदर रेडियस है, अल्ना है, उनको वहाँ पे उनका जो अपना दूसरे एनिमल्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको वहाँ पे मुकम्मल तौर पर स्टडी करना जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए हमें यहाँ पे वॉलंटियर्स चाहिए होंगे, ये जो वॉलंटियर्स होंगे ये यहाँ पे फॉसिलाइज्ड बोन्स की सूरत में उनको वहाँ पे चेक किया जाएगा और उनके लिए जो फॉसिलाइज्ड फॉर्म होगी उसको बाकी एनिमल्स के साथ कंपेयर किया जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज लेक्चर। यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चंस, आप मुझे अपने जो सवाल हैं वो भेज सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी है तो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सेंड करके उनका आंसर्स ले सकते हैं।